Starting with the 12th part, here it says sum of first three terms is given as 39 over 10. अब यहाँ पे हमें बोला जीपी है, जीपी का सम पहले तीन टर्म्स का 39 बाय 10 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लेना ताकि आपका जो क्वेश्चन बने उसको आप अच्छे से रिड्यूस कर पाओ। जैसे फर्स्ट टर्म को आप ले सकते हो a बाय आर, दूसरी टर्म को आप ले सकते हो a, तीसरी टर्म को आप ले सकते हो ए आर। अब मैंने ये इंश्योर करना है कि ये जीपी बने। जीपी कैसे बनता है कि हमारा पहले दो का रेशियो और लास्ट टू का रेशियो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए ए बाय आर, ए से ए कैंसिल, आर आपका ऊपर चला गया तो आर बाय वन हो गया। अब सेकेंड टू का देखो, लास्ट टू का तो क्या होगा, ए आर ओवर ए, ए से ए कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, आर कॉमन रेशियो आर बचा। दोनों ही केस में आर आर बच रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट इज नथिंग, वन के इक्वल है, तीनों का प्रोडक्ट मिला के वन बनेगा और तीनों का सम मिला के 39 बाय 10 बनेगा। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये हो गई 39 बाय 10 वाली, दूसरी क्या हो गई, ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर इज इक्वल टू वन, आर से आर कैंसिल, आपके पास क्या बचा, ए क्यूब एज 1 क्यूब। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1। अब इसी चीज को आप किस में सब्सटीट्यूट करोगे, इक्वेशन 1 में। ए की जगह अगर 1 सब्सटीट्यूट करते तो 1 बाय आर बनो, 1 बनो, 1 इंटू आर बनो, 39 बाय 10 बनो। अब इसी चीज को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ इट। एलसीएम ले लो, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म आर, तीसरी टर्म आर स्क्वायर, नीचे क्या आएगा आपके पास, आर, राइट में गया 39 बाय 10। तो आपके पास वैल्यू क्या बनी, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 39 बाय 10, और आर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब लेफ्ट में आप ले जाओ -39/10 आर, प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार एलसीएम ले लेते हैं पूरी सिचुएशन का, ताकि हमारे पास लेफ्ट साइड में क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आए। तो ये हो जाएगा आपका 10R² - 39 आर, 10R, लास्ट में प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 10R² हो गया, -29R हो गया, प्लस 10 हो गया, 0 के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर सकते हैं, या तो हम वैल्यू को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डाल सकते हैं। अगर हम ध्यान से करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, -b + √b² - 4ac/2a। तो आपके पास -b का मतलब क्या, -29, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इस -29 का स्क्वायर, -4ac, a की वैल्यू कितनी है हमारी 10, c की वैल्यू कितनी है 10, डिवीजन में क्या है 2 into a, a का मतलब 10। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल होकर 29 देगा, प्लस माइनस रूट आपको मिलेगा 29 का स्क्वायर, इट इज 841, और 400 सेकेंड टर्म, नीचे आएगी 20। फर्स्ट टर्म आ गई 29 प्लस माइनस 441 ओवर 20। अब 441 का हमें पता है रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है 21। तो 29 प्लस माइनस 21 ओवर 20, दो वैल्यूज निकल के आ रही है यहाँ पे हमारे पास। एक तो आ रही है हमारी 29 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 20, और एक आएगी 29 माइनस 21 ओवर 20, ठीक है। तो एक बार हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या वैल्यूज हमारी निकल के आती हैं। एक 29 प्लस कर लेना 21 में, और एक 29 माइनस कर लेना 21 में। तो 29 जब प्लस करोगे 21 में, सो यू विल गेट 50 ओवर 20, और जब आप 29 माइनस 21 करोगे 20 से, तो ये आ जाएगा आपका 8 ओवर 20, सो विच इज 5 ओवर 2 एज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड में क्या होगा, 4 ओवर 5, और नहीं सॉरी 4 ओवर 10, 4 ओवर 10 हो गया, और 4 ओवर 10 का मतलब क्या है, 2 ओवर 5। तो r की हमारी दो वैल्यूज आ पा रही है, एक तो 5/2 आ रही है, और दूसरा r हमारा आ रहा है 2/5। तो हमारे दो GPs बनेंगे इस सिचुएशन में। r की वैल्यू एक बार 5/2 लोगे, और a तो 1 है ही हमारा ऑलरेडी, और बाकी आपने जीपी फॉर्म करनी है, बस हो गया। फॉर आर इज इक्वल टू 5/2, देखते हैं क्या हो सकता है। फॉर
आर इज इक्वल टू 5/2, ए इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या मिलेगा, ए बाय आर 1/5/2। सेकेंड क्या होगा आपके पास, ए विच इज 1, सो द थर्ड टर्म वुड बी ए इंटू आर, और ए इंटू आर करोगे तो 5/2 आएगा। फॉर सेकेंड पार्ट इट इज आर इज इक्वल टू 2/5 एंड ए इज 1 ओनली, तो आपने इसका भी जीपी फॉर्म करना है। तो जीपी कैसे फॉर्म हो गया, ए बाय आर, ए बाय आर का मतलब क्या हो गया 1/2, 5, एंड सेकेंड टर्म ए ही आते हैं। थर्ड टर्म क्या होगा, ए और आर का मल्टीप्लीकेशन विच इज 2/5, तो पहली टर्म तो आपकी हो गई 5/2, दूसरी 1, तीसरी 2/5, ठीक है। सो या दैट वुड बी योर आंसर फॉर द 12th क्वेश्चन।